तिलहनी फसलों में सोयाबीन भारत में दूसरे स्थान पर है, जबकि पूरे देश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। यहाँ खरीफ सीजन में किसान सोयाबीन की खेती करते हैं। वहीं खरगोन जिले की अगर हम बात करें तो लगभग 80,000 हेक्टेयर में किसान सोयाबीन की खेती करते हैं। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में भी बड़े स्तर पर सोयाबीन की खेती किसान करते हैं। आपको बता दें कि सोयाबीन किसानों के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यह जरूर देखा गया है कि सोयाबीन की खेती में मुनाफा कम होने लगा है, लेकिन बावजूद इसके किसान बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं। खरगोन कृषि अनुसंधान केंद्र में पदस्थ वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक आर के सिंह ने लोकल एटिन को बताया है कि किसान चाहे तो सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को खेतों में सही और पूरी तकनीक को इस्तेमाल करना चाहिए। किसान अधूरी तकनीक को इस्तेमाल करते हैं, नतीजा उत्पादन घटता है। इसलिए किसानों के लिए जरूरी है कि जिस खेत में पानी लगता है वहाँ सोयाबीन की खेती नहीं करें, क्योंकि ऐसे में बीज सड़ने और सूखने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए ज़मीन का चयन करते समय किसान ध्यान दें कि ज़मीन पानी मुक्त हो। इसके अलावा किसानों को 20 जून के आसपास ही बुआई करना चाहिए। इसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमम 100 मिलीमीटर यानी कि 4 इंच बारिश होने के बाद ही बुआई करना अच्छा रहता है। सोयाबीन की खेती किस तरह से करें और कौन सी ऐसी तकनीक अपनाई जाए जिसके जरिए किसानों को बेहतर मुनाफा मिल सके और उत्पादन बढ़ सके, इसके अलावा किसानों को कौन सी नई किस्मों के बीज अपने खेत में बोना चाहिए जिससे उत्पादन बढ़ जाए और किसानों को मुनाफा भी अधिक हो पाए, चलिए वैज्ञानिक आर के सिंह से जानते हैं विस्तार से। ज्यादातर किसान भाई खाद के बारे में, उर्वरक के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई के पास अगर गोबर की खाद उपलब्ध है तो 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद जो है कि वो खेत में डाल दें अंतिम बखरनी के टाइम पे, और उसके बाद जो है कि वो अगर रासायनिक उर्वरक की जब बुआई के समय देना होता है तो रासायनिक उर्वरक में 25 किलोग्राम जो है नत्रजन चाहिए होता है, 60 किलोग्राम फास्फोरस चाहिए होता है, 40 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर होना होता है। तो ये प्रति हेक्टेयर की मात्रा है। अगर इसको हम खाद में कन्वर्ट करके बताएं कि अगर किसान जो है कि सिंगल सुपर फास्फेट देता है तो 56 किलोग्राम जो है कि यूरिया और 375 किलोग्राम सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, और 67 किलोग्राम उसको पोटास देने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर यही DAP के माध्यम से अगर देता है तो उसे करीब 125 किलोग्राम DAP और 67 किलोग्राम पोटास और साथ में 25 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से देना उसको ज़रूरी है। और वैरायटी की अगर बात करें हम तो वैरायटी में तीन तरह की मुख्य रूप से चीज़ें होती हैं, जैसे एक शीघ्र पकने वाली होती है और एक मध्यम से पकने वाली होती है और एक देर से पकने वाली होती है। तो जो पुरानी वैरायटी है ज़्यादातर किसान अभी JS 9560 है, JS 335 है, JS 9305 है, ये वैरायटी उगा रहे हैं। अभी कुछ नई वैरायटी भी आ गई हैं, जैसे जल्दी पकने वाली में JS 2034 है, JS 9560 है, RBS 18 है, NRC 131 है, NRC 152 है, ये जो है जल्दी पकने वाली हैं जो कि 85 से 90 दिनों के अंतराल में, 92 दिनों के अंतराल में पक जाती हैं। और अगर मध्यम की बात करें तो RBS 2001-4 है, JS 2069 है, JS 2094 है, NRC 150 है, NRC 151 है, ये वैरायटी जो है मध्यम वाली हैं जो कि 95-96 दिन में पक जाती हैं। इसके अलावा अगर देर से पकने वाली किसान अगर चयन करना चाहता है तो उसके लिए जो है कि NRC 136 है, RBSM 2011-35 है और RBS 76 है, NRC 142 है, तो ये सारी वैरायटी जो है कि वो चयन कर सकता है। JS 2016 है, ये 100 से 110 दिन, 105 दिन के आसपास की वैरायटी हैं, तो इन वैरायटी का चयन कर सकता है। एक चीज़ किसान को ज़रूर ध्यान है क्योंकि बारिश की फसल है, मौसम कभी भी जो है कि बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो बुआई के समय ध्यान देना चाहिए कि बोने की जो पद्धति है उसमें किसान बी बोने के दो तरीके हैं, एक तो ब्रॉड बेड फरो BBF बोलते हैं जो कि चौड़े बेड बना लेते हैं, उस चौड़े बेड पे बना करके सोयाबीन की बुआई करें। अगर वो सुविधा नहीं है तो रिज एंड फरो पे, मतलब कुंड और नाली पद्धति से बुआई करें,
तो इसमें दोनों स्थितियों में फ़ायदा होता है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो भी फायदा होता है, और बारिश कम होती है तो भी फायदा होता है, क्योंकि जो मेड़ बनती है उसमें मॉइस्चर जो है कि कंजर्व हो जाता है। तो अगर कोई ड्राई स्पेल थोड़ा सा लॉन्ग 15 दिन 20 दिन का भी हो जाता है तो हमारी सोयाबीन की फसल पर ज़्यादा असर नहीं आता है। अगर उसी तरह से ब्रॉडबेड फरो में भी होता है, लेकिन अगर वो फ्लैट बेड में बोता है तो जरा भी 5-7 दिन 10 दिन का जैसे ही अगर गैप होता है ड्राई स्पेल का तो हमारी फसलें सूखने लगती हैं। तो इसलिए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि बुआई के लिए वो ब्रॉडबेड फरो या पूर्ण नाली पद्धति जो रीजेंट फरो पद्धति है उससे बुआई करें। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।